मामला तो आप भी जानते हैं क्या मामला है। एक निर्दोष संत को इसलिए जेल भेजा गया, वो हिंदुओं का धर्मांतर के खिलाफ, ये भारत भूमि पावन भूमि सनातन की भूमि है और धर्मांतर के खिलाफ काम किए और हिंदुओं को एकजुट किए, इस एकजुटता के लिए उन्हें जेल भेजा गया। पहले न्यायपालिका डील हुई, विधायिका डील हुई और आपका मीडिया भी डील हुआ। बहुत एक षड्यंत्र के तहत बापूजी को जेल इसलिए भेजा गया कि बापूजी धर्मांतर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हर व्यक्ति को तत्कालीन सरकार को भी सजा मिली, 40 इस बार 4 आएंगे, लेकिन आज हमारी सरकार है, हम अपने सरकार में अपने संत के लिए याचना कर रहे हैं। क्या यह हमारे लिए धिक्कार की बात नहीं है? क्या ये विडंबना नहीं है इस देश की? इसलिए लोग आए हैं कि बापू जी को रिहा करो। अगर हम संविधान पे चलते हैं तो भारत में संविधान में बेल की प्रावधान है, फिर एक व्यक्ति को इसे अछूत क्यों रखा गया? इसलिए लोग एकजुट हुए हैं। यह पावनी भारत भूमि संतों की भूमि है, यह संतों की त्याग की भूमि है और उस संत को जेल में रखा जा रहा है, इसलिए लोग एकजुट हुए। गांधी जी, अगर आज आपकी सरकार सुनती नहीं तो आगे क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और मैं तो पिछले बार भी बोली थी, हालांकि मैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण से हूँ, मेरा कहीं यात्रा लग गया, मैं चली गई, संसद भवन घेराव के फिराक में मैं थी, जो संसद भवन जब सरकार बहरी हो जाए तो कान में गर्म तेल डाला जाता है, गर्म तेल, तो संसद भवन घेराव करने का एकदम मन बना ली थी, लेकिन तब तक सुदर्शन का कोई यात्रा शुरू हो गया, मैं यहाँ से चली गई दिल्ली से। तो अब सरकार, बहरी सरकार, चाहे किसी के तंत्र हो, बहरी न्यायपालिका, बहरी विधायिका को गर्म तेल कान में डालने का समय आ गया है। जब तक गर्म तेल हम नहीं डालेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है जो न्याय मिलेगा। देखिए, आसाराम बापू जी की रिहाई की बात है और इसके लिए पूरे सनातन धर्मियों को बिल्कुल ही रोड पर आ जाना चाहिए। रह गया ये जो ईसाई मिशनरी है, धर्मांतरण कराने वाले लोभी है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त जज बैठे हुए हैं, इन सबके मिलीभगत से आसाराम जी को जेल में डाला गया है। ये 1200 करोड़ का गेम था। अगर आसाराम बापू जी इतना पैसा दे देते तो ये जेल में नहीं जाती, लेकिन इन्होंने जेल ये पैसा नहीं दिया, ये न जज को दिया, न मीडिया को दिया, न इनके जो गुरुए थे गिरोह, इन गिरोहों को दिया, तो इस वजह से आसाराम बापू जी को जेल में डाल दिया गया। वो निर्दोष हैं, सारे सबूत उनके पक्ष में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी में बैठा हुआ लोग हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो आसाराम जी के पक्ष में नहीं है, बाकी न्याय उनके पक्ष में है। अब न्याय उन्हें मिलेगा। अटल जनशक्ति पार्टी आज जंतर मंतर से यह संकल्प लेके जा रहा है, जो बापू को न्याय दिलाने तक, रिहाई कराने तक हम वो लड़ाई लड़ेंगे जिस लड़ाई के आगे सुप्रीम कोर्ट को क्या, सरकार को क्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून को हिलना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। आसाराम जी के आगे हमें रिहा करना होगा। शुरू करिए। रोल है जैन साहब, रोल। आज जंतर मंत्र में जो हजारों संख्या में इकट्ठी हुई है, क्या मामला है? सर कट रहा है। देखिए, हमारे आसाराम बापू जी को, हमारे धर्मरक्षक दारा सिंह को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, एक दिन की भी पैरोल नहीं दे रहे हैं। जो अन्याय बापू जी के साथ हो रहा है, जो कानून
से खिलवाड़ हमारे न्यायाधीश लोग कर रहे हैं उस सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमने प्रण किया है कि जैसे भी होगा बापूजी को रिहा करा के ही मानेंगे। हर तरीके से आप देखिए कि पैरोल अधिकार होता है किंतु हमारे बापूजी को हमारे दादा सिंह को एक दिन के लिए भी उन्होंने जेल से नहीं छोड़ा है, पैरोल पर रिहा नहीं किया है। ये सब जो चल रहा है कानून से खिलवाड़ चल रहा है। लड़की वो कुंवारी है और हमारे बापूजी को बलात्कारी बता के बदनाम किया जा रहा है। मैं जोधपुर में बापूजी से मिला और बापूजी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है और उनकी आंखों में आंसू थे। आप देखिए संत को किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। रंजन गोगोई पर आरोप लगाया था, स्वतंत्र कुमार पर आरोप लगा था, गांगुली पर आरोप लगा था, वहाँ तुम चुप रहते हो, बापूजी को रगड़ोगे क्योंकि ये मत समझो कि बापूजी को रगड़ने से तुम बच जाओगे। तुम हिंदुत्व से खेल रहे हो, हिंदुत्व आग है, वो जब भले 100 साल में जागे किंतु जब जागता है तो धरती को लाल लाल करके जलता है। 1857 का युद्ध हुआ, अंग्रेजों के एक एक चर्च में आग लगा दी गई, छावनी में आग लगा दी गई, अंग्रेजों की औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद भी कई घटनाएं हुई देश में। जनता अगर आज सरकार नहीं सुनती है तो क्या ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? अब धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं हमको, अब तो मैदान में उतरना हमको।